मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उड़ीसा दौरे पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जब मनुष्य का स्वार्थ और महत्वाकांक्षा चरम पर पहुंचता है तो वो व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ में डूब जाता है। बिहार की बर्बादी करने के लिए अपने बड़े भाई लालू प्रसाद यादव के पथ चिन्हों पर चल रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। इनके मंत्री पांच पांच विभाग लेकर मलाई काट रहे हैं, जिससे विभाग संभल नहीं रहा और जो आज तक बिहार में अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाए, दूसरे के कंधे पर सत्ता में बने रहने और नीतीश कुमार जो हर बार विभाग में गांधी जी के विचारों को लिखवाते हैं और खुद सिद्धांत विहीन कार्य करते हैं, बिहार की जनता इन पर विश्वास नहीं करती है। व्यक्ति का अपना स्वार्थ महत्वाकांक्षा चरम पर पहुंचता है तो वो उस अहंकार में अपने अहम में वयम को छोड़ देते हैं और बिहार की बर्बादी के बड़े नायक के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी अपने बड़े भाई लालू प्रसाद के पद चिन्हों पर बढ़ चुके हैं। ये बिहार संभल नहीं रहा है, बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, करप्शन चरम पर है, प्रशासनिक अराजकता के कारण पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। एक एक व्यक्ति पांच पांच विभाग के मंत्री बने हुए हैं, विभाग नहीं संभल रहा है और अपने बलबूते कभी सरकार न बना सके, न बिहार की जनता का कभी ये विश्वास जीत सके। और आज गांधी जी के साथ पापकर्म के सिद्धांत को हर जगह लिखवाते हैं। मुंगेर के अंदर देखिए लिखा हुआ है सिद्धांत विहीन राजनीति का, सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता है और न इनका कोई नेतृत्व स्वीकार करता है। बिहार की जनता पहले ही पर इनका इकबाल खत्म हो चुका है। अब देश के लोग के अंदर घूम घूम कर अपना विदाई यात्रा मना रहे हैं, जाने के पहले सबसे एक बार मिलने जुलने का अपना देशाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। उड़ीसा जा रहे हैं, उड़ीसा ये कवायद इसलिए है ताकि लोगों को बतावे कि हाँ हम भी अभी हैं, लेकिन इस कवायद का कोई मतलब है नहीं। वो भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कुर्सी खाली नहीं है, न कुर्सी खाली रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। जातीय जनगणना पर रोक लगा, ये सब पॉलिटिक्स है। मनमोहन जी को अब सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को फटकार लगी है, नोटिस जारी हुआ। ये तो अभी सब जूडिस है, अभी इसके बारे में कुछ कहना सही नहीं है। चलिए।